जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर अभी की जो ताजा ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है और हेडलाइंस न्यूज आ रहे हैं आपके लिए जानना जरूरी है। बड़ी खबर आप देख पा रहे कि कोरोना वायरस लाइव अपडेट्स के तहत भारत में 11 राज्यों में फैल चुका कोरोना वायरस का संक्रमण और इटली में देखिए एक ही दिन में 250 लोगों की मौत कोरोना वायरस के चलते हो गई है। 24 घंटे के अंदर अंदर 250 लोगों की मौत होना ये पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती से कम नहीं है। और भी एक बड़ा अपडेट देख पा रहे कि कोरोना इफेक्ट के चलते मास्क और सैनिटाइजर की मनमानी कीमत वसूलना महंगा पड़ेगा। सरकार ने इसको लेकर एक बड़ा कदम उठाया है, क्या है ये डिटेल में थोड़ा विस्तार से आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल अगली हेडलाइंस न्यूज देख पा रहे कि यूरोप भी अब कोरोना वायरस की महामारी का केंद्र बन चुका है और साथ ही ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के तहत देख सकते हैं कि बीएसएफ के जवान समेत 5 लोगों में कोरोना के लक्षण और देखे गए हैं। 15 अप्रैल तक सरकार आपके द्वार बंद कर चुकी है, जानिए आज का हल क्या है, बताएंगे आपको। इसके अलावा भी दोस्तों देश भर के 12-13 राज्यों में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज आंगनबाड़ी सिनेमा हॉल्स जिम वगैरह सारी चीजें बंद रखने का सरकार ने आदेश दे दिया है। कौन कौन से राज्य में इस तरह की व्यवस्थाएं लागू की गई और कौन कौन से राज्य में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे छुट्टियां रहेंगी तो ये भी पूरी जानकारी आपको बताएंगे विस्तार से। इसके अलावा भी कोरोना वायरस को लेकर एक और हेडलाइंस न्यूज देख पा रहे कि 11 राज्यों तक फैला कोरोना वायरस और भारत में दूसरे मरीज की मौत हो चुकी है। भारत में ये दूसरी मौत का मामला आ चुका है कोरोना के कारण। एक मौत पहली केरल के अंदर हुई थी कोरोना के चलते, कल ही आपको पता होगा, और आज ही दूसरी मौत हो चुकी है। भारत में अब तक टोटल 83 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से इन्फेक्टेड यानी संक्रमित है और विश्व भर की बात करें दोस्तों तो 1,45,810 लोगों को ये कोरोना अपने संक्रमण में ले चुका है। और कोरोना वायरस पर वैज्ञानिकों के हाल ही की एक ताजा रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ दोस्तों कि कोरोना वायरस 37 दिनों तक शरीर में सक्रिय रह सकता है, एक्टिव बिना मरे कोरोना वायरस हमारे शरीर में रह सकता है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर देख सकते हैं कि कोरोना वायरस का असर पंजाब में भी 31 मार्च तक प्राइवेट स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी वगैरह बंद रखे जाएंगे। और साथ ही बड़ा अपडेट देख सकते हैं कि कोरोना के खौफ में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की नेशनल इमरजेंसी की घोषणा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है वो भी अपनी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी यानी कि देश में आपातकाल की घोषणा कर चुकी है अमेरिकी सरकार भी। अब जरा आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या कोरोना का कहर कितना भयंकर और खतरनाक होता जा रहा है। तो इस तरह की दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर कई सारी महत्वपूर्ण हेडलाइंस न्यूज अपडेट और अलर्ट आपको बताएंगे। देख सकते हैं कि राजस्थान राज्य के स्कूल कॉलेज जिम सिनेमा हॉल भी कोरोना के चलते 30 मार्च तक बंद रहेंगे। तो एक एक करके कोरोना वायरस को लेकर अभी तक के जो ताजा हेडलाइंस न्यूज अपडेट आ रहे हैं वो सभी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों बिना आपका टाइम वेस्ट के सीधे ले चलते हैं आपको अपडेट में। तो देख पा रहे कि भारत के 11 राज्यों में फैल चुका कोरोना वायरस का संक्रमण और इटली में एक ही दिन में 250 लोगों के जान जाने की खबर आ रही है। तो भारत में भी कोरोना वायरस अपने पैर फैलाता ही जा रहा और अब तक देश के 11 राज्यों में इस खतरनाक वायरस का संक्रमण फैल चुका है। जी हाँ दोस्तों, जिन राज्यों में इसका असर पहुंच चुका है उनमें शामिल है दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि। और कई राज्य सरकारों ने इस कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सिनेमा हॉल, स्कूल कॉलेज आदि बंद भी कर दिया, जिसकी जानकारी भी आपको आगे बताएंगे। फिलहाल बड़ा अपडेट देख सकते हैं कि इटली में 24 घंटे में 250 लोगों की मौत हो गई है। ब्रिटेन में एक दिन में 200 लोग संक्रमित हुए हैं। कोरोना वायरस के महामारी से जूझ रहे इटली में इस वायरस के संक्रमण से सिर्फ एक दिन में शुक्रवार को 250 लोगों की मौत हो गई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश में इससे एक दिन में होने वाली मौतों का यह सर्वाधिक आंकड़ा। जरा देखिए दोस्तों, किसी देश में एक दिन में होने वाली सबसे ज्यादा डेथ का आंकड़ा पहुंच चुका है कोरोना वायरस के चलते। पिछले 24 घंटों में 250 मौतें दर्ज की गई हैं, जिससे मृतकों की कुल संख्या 1266 हो गई है और साथ ही देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 17660 हो गई है। इटली की बात चल रही है। उधर फ्रांस में भी पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण 18 लोगों की मौत होने की खबर है और कुल मृतकों की संख्या 79 पहुंच चुकी है। इसी बीच लंदन से प्राप्त एक खबर के मुताबिक कोरोना वायरस से बढ़ते खतरे को देखते हुए लंदन मैराथन को 4 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया और वहीं ब्रिटेन में एक दिन में 200 लोग संक्रमित पाए गए। चीन में करीब 3 महीने पहले दस्तक देने के बाद अब वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका कोरोना वायरस संक्रमण 5,000 से अधिक लोगों की जान ले चुका और दुनिया भर में 1,34,000 से भी ज्यादा लोग इससे संक्रमित हैं, जिनकी संख्या 1,45,000 तक भी पहुंच चुकी है। वहीं हम बात कर रहे थे दोस्तों कि कोरोना वायरस को लेकर सरकार ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया, जिसके तहत मास्क और सैनिटाइजर वगैरह की मनमानी कीमत दुकानदार मेडिकल वाले अब आपसे नहीं वसूल पाएंगे। क्योंकि दोस्तों भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार भी लगातार कदम उठा रही है। और इसी बीच कोरोना वायरस के खतरे के कारण बाजार में मास्क और सैनिटाइजर की अनुपलब्धता को देखते हुए सरकार ने इन दोनों ही वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल करने का फैसला किया। और ऐसे में केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कुछ हफ्तों से कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के मौजूदा प्रकोप के मद्देनजर कोरोना प्रबंधन के लिए लॉजिस्टिक संबंधी चिंताओं को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है और हैंड सैनिटाइजर वगैरह मास्क वगैरह की इनकी कीमत आपसे दुकानदार ज्यादा नहीं वसूल सकते हैं। ऐसा नहीं कि ब्लैक में बेचने लग जाए, नहीं। तो ये भी भारत सरकार की तरफ से एक अच्छा फैसला है। और इसके अलावा देख सकते हैं कि यूरोप भी अब कोरोना वायरस की महामारी का केंद्र बन चुका है। जहां कोरोना वायरस में अब तक 5,000 से ज्यादा लोग मौत का शिकार हो चुके हैं और इटली में भी 1,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और इसी बीच भारत में भी इस संक्रमण से पहली मौत तेलंगाना के कलबुर्गी में 76 साल के वृद्ध की हुई है, जो सऊदी अरब से लौटे थे। ब्रिटेन में 5,000 से 10,000 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की आशंका है।
वहीं दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने शुक्रवार को चेतावनी देते हुए कहा कि यूरोप अब कोरोना वायरस महामारी का केंद्र बन गया और चीन में इसके संक्रमण के चरम पर रहने के दिनों की तुलना में कई अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। और इसी बीच बड़ा अपडेट देख पा रहे कि BSF जवान समेत 5 लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण देखे गए। 15 अप्रैल तक सरकार आपके द्वार बंद है। आज का हाल की बात करें तो दरअसल बात कुछ यूं है दोस्तों कि शुक्रवार को जमशेदपुर के MGH मेडिकल कॉलेज में कोरोना के संदिग्ध 5 मरीजों के नमूने जांच के लिए लाए गए और इनमें से एक मरीज जमशेदपुर के बारीडीह का है, जिसे कोरोना संबंधित मानते हुए जिला सर्विलांस विभाग ने उसका नमूना जांच के लिए MGM लैब में भेजा है। वहीं इसकी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और साथ ही आप अपन बात कर रहे थे दोस्तों कि आखिर वो कौन से 11 राज्य हैं जिनमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सिनेमा हॉल, आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह सभी बंद रखे जाएंगे। तो दरअसल आपको बता दें कि भारत सरकार ने जहां विदेशी नागरिकों के भारत आने पर रोक लगाते हुए सभी टूरिस्ट वीजा को 15 अप्रैल तक रद्द कर दिया और वहीं कई राज्यों ने तो कोरोना वायरस को महामारी भी घोषित कर दिया। जिन राज्यों में कोरोना वायरस के मरीज सामने आए हैं वहां सरकार लोगों को एक साथ इकट्ठा न होने की सलाह दे रही है और वहीं देश के लगभग 1 दर्जन राज्यों ने स्कूल कॉलेज में छुट्टियां घोषित कर दी हैं। कुछ राज्यों ने मॉल्स और सिनेमाघर भी बंद कर दिए हैं। इन राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद हुए तो आप देख सकते हैं कि सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो क्योंकि संक्रमित बीमारी होने की वजह से कोरोना वायरस के तेजी से फैलने का खतरा बढ़ सकता है और यही वजह है कि अब तक 11-12 राज्यों के स्कूल कॉलेजों में छुट्टियां घोषित कर दी हैं। उन राज्यों में शामिल है दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्कूल और कॉलेजों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। इसके अलावा भी 2 और राज्य हैं दोस्तों, एक राजस्थान और एक पंजाब, इनमें भी आज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सिनेमा मॉल्स वगैरह में सब में छुट्टियां घोषित कर दी हैं, बंद रहेंगे मतलब ये सब। अब कुछ राज्यों में 31 मार्च तक बंद रहेंगे, कुछ में 30 तक और कुछ में 22 मार्च तक ये छुट्टियां घोषित रहेगी। और वहीं कुछ राज्यों में मध्य प्रदेश वगैरह में अनिश्चित काल तक यानी कि सरकार जब तक वापस खुल नहीं कर देती तब तक छुट्टियां ही रहने वाली हैं। वहीं कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाले कौन कौन से राज्य हैं तो हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया। उसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी इसको महामारी घोषित कर दिया और साथ ही हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में भी इसको महामारी घोषित कर दिया। इसके अलावा उड़ीसा सरकार ने इस वायरस के फैलने के खतरे को देखते हुए इमरजेंसी भी घोषित की है। अच्छा, इसी बीच एक और अच्छी खबर आपको ये बताना चाहेंगे कि कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी तो घोषित कर दी है, लेकिन दोस्तों अगर आप कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी तरह की मदद, सहायता, हेल्पलाइन लेना चाहते हैं तो भी सरकार ने इसके लिए एक अच्छी व्यवस्था शुरू की है। हर राज्यों की अलग अलग सरकारों ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए। इसके अलावा केंद्र सरकार के भी हेल्पलाइन नंबर है जिन पर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि किसी मरीज में संदिग्ध एक्टिविटी, लक्षण वगैरह पाए जा रहे हैं कोरोना को लेकर, तो भी आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या किसी भी तरह की सहायता लेना चाहते हैं। तो कोरोना वायरस के लिए केंद्रीय हेल्पलाइन नंबर है +91 1123978046। इस नंबर पर कॉल करके आप हेल्पलाइन ले सकते हैं। इसके अलावा जिस किसी राज्य में पर्टिकुलर आप रहते हैं उन राज्यों में भी आप संपर्क कर सकते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा वगैरह वगैरह। इसके अलावा कई राज्यों के कॉमन कोरोना वायरस के हेल्पलाइन नंबर है 104। जिस तरह से 100 नंबर एम्बुलेंस वगैरह के लिए होते हैं इमरजेंसी में, उस तरह से 104 नंबर पर आप कॉल करके हेल्पलाइन ले सकते हैं कोरोना वायरस से संबंधित। केंद्र शासित प्रदेशों के भी कोरोना वायरस के हेल्पलाइन नंबर की लिस्ट यहां पर दी हुई है, तो आप बिल्कुल जरा वीडियो को पॉज करके और अपने राज्य के हिसाब से हेल्पलाइन नंबर ले सकते हैं। वहीं जैसा कि हम बात कर रहे थे दोस्तों कि भारत में दूसरे मरीज की पहचान हो चुकी है कोरोना वायरस के कारण, दूसरा ऐसा कौन सा मरीज है जो मर गया, तो आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस से भारत में दूसरी मौत हो चुकी है। दिल्ली के RML में एक महिला ने और दम तोड़ दिया, जहां भारत में कोरोना वायरस से एक और जान चली गई है और अब की बार दिल्ली में कोरोना वायरस से मौत हुई है। कोरोना वायरस से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यह पहली मौत है। कोरोना वायरस के लक्षण मिलने के बाद 69 वर्षीय महिला को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। महिला डायबिटीज और हाइपरटेंशन से भी पीड़ित थी। मृतक महिला का बेटा हाल ही में विदेश से लौटा था। इससे पहले कोरोना वायरस से कर्नाटक में एक व्यक्ति की भी मौत हुई थी और इस तरह से भारत में कोरोना वायरस से अब तक टोटल 2 लोगों की जान जाने की खबर है। कुल 80 से भी ऊपर ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें संक्रमण होने की संभावना है। अच्छा, अब दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर वैज्ञानिकों की हाल ही की एक ताजा रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हो रहा है कि कोरोना वायरस 37 दिनों तक शरीर में सक्रिय रह सकता है, जहां कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के शरीर में ये वायरस 37 डेज तक जीवित रह सकता है। लासेंट में प्रकाशित एक अध्ययन में दावा किया गया दोस्तों कि यह अध्ययन चीन में करीब 800 संक्रमित लोगों पर किए गए अध्ययन पर आधारित है और इसका मतलब यह हुआ कि इस बीमारी की चपेट में आने पर ठीक होने में 37 दिन तक का समय लग सकता है, क्योंकि वायरस मरता ही नहीं है, 37 दिन तक तो ये लाइव रहता है। और वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार वायरस से संक्रमित रहने की न्यूनतम अवधि 8 दिन दर्ज की गई, लेकिन यह बहुत ही कम लोगों में पाई गई। इसी प्रकार अधिकतम अवधि 37 दिन दर्ज की गई। यह संक्रमित व्यक्ति के श्वसन तंत्र में मौजूद रहता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि 171 स्वस्थ हो चुके लोगों पर अध्ययन को आधार मानते हुए निर्धारित किया गया कि वायरस के शरीर में जीवित रहने की अवधि औसत 20 दिन है। अध्ययन में कई किस्म के मरीजों के आंकड़े एकत्र किए गए और इस तरह से कोरोना वायरस पर विज्ञान साइंटिस्ट लगातार रिसर्च भी कर रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों बहुत जल्द हमें कोरोना वायरस की वैक्सीन, टीका, दवाई भी देखने को मिलेगी। हम सभी को बेसब्री से इंतजार है कि आखिर कब तक कोरोना का वैक्सीन दुनिया के लिए आशीर्वाद का काम करे और हम हमारे ही भाइयों, बहनों, दोस्तों, मित्रों, लोगों को, देशवासियों को, नागरिकों को, दुनिया भर के लोगों को बचा सके। इन्हीं साफ शब्दों के साथ दोस्तों हम सभी मिलकर भगवान से दुआ करते हैं कि विज्ञान को जल्द से जल्द इसकी दवाई तोड़ मिल जाए कोरोना वायरस की, ताकि हम मानव जाति को बचा सके और हमारा विज्ञान और धर्म
करते ही हमारा देश आगे बढ़ सके। इन्हीं साफ शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। अगर आप भी यही चाहते हैं, यही दुआ करते हैं, तो दिल से इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का, आराध्य देव का नाम जरूर लिखिएगा और दिल से इस वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, ताकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनको भी मिल जाए। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।